पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के 63वें जन्मदिन पर आज सपा बसपा के राजनीतिक गठबंधन का रंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाने की शुरुआत कर दी है। 2019 में लोकसभा चुनाव के पूर्व हुए सपा बसपा के गठबंधन के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं ने जहां तेजी पकड़ी है, वहीं आज 15 जनवरी पर बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर राजनीति पूरे चरम पर पहुंच गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो बड़े आयोजन की व्यवस्था है ही, वहीं मुरादाबाद में बिल्कुल अलग ही रंग नजर आया है। कलेक्ट्रेट परिसर में बसपा सपा द्वारा लगाया गया एक संयुक्त होर्डिंग के ठीक सामने समाजवादी पार्टी से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने मायावती का जन्मदिन मनाते हुए विशेष रंग का कार्ड बनवाया, मायावती का जन्मदिन मनाया और सबको केक खिलाकर मायावती की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर सपा नेता फरासत गामा ने बसपा और सपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। देखिए, ये जनता की पहली पसंद है। जनता चाहती थी कि सपा और बसपा एक साथ गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में आए और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये कहा था कि मेरे कार्यकर्ता गांठ बांध लें कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश को मानते हैं, और जैसे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, तो हम उनके मतदाताओं तक का सम्मान करने के लिए तैयार हैं। और बहन मायावती जी का आज हम जो 63वां जन्मदिन जिला कलेक्ट्रेट पर मना रहे हैं, ये भी उनके सम्मान में है। और हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ से, महिलाओं के, नौजवानों के और बुजुर्गों के हाथ से आज केक कटवा करके ये जन्मदिन मनाया गया है। क्या लगता है 2019 के चुनाव में कितना गठबंधन सफल होगा? गठबंधन 2019 में ही नहीं, 2022 में भी सफल होगा और आगे ना जाने कब तक सफल होगा, क्योंकि जुमलेबाजों को, झूठों को और देश को धोखा देकर सत्ता में बैठने वालों को भगाने के लिए जनता की आवाज़ थी कि बहन मायावती जी और भैया अखिलेश यादव जी एक साथ आएँ, और वो आ गए हैं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल या नेता वो जनता की भावनाओं का ख्याल रखता है, जनता की ये भावनाएं थी, इसलिए इन दोनों नेताओं ने ये निर्णय लिया है जो कि सराहनीय है, बधाई के पात्र हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से 2014 में बनारस जाकर कह रहे थे कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, मैं समझता हूँ आज बनारस से वो भाग रहे हैं क्योंकि गंगा मैया ने उन्हें भगाया है, और बनारस से ही नहीं पूरे देश से भगाया है, क्योंकि उन्होंने गंगा सफाई के नाम पर अरबों खरबों रुपया साफ कर दिया, गंगा साफ नहीं करी, गंगा का अपमान किया, गायों का अपमान है, खुलेआम गायें रोड पर जब रोड एक्सीडेंट में मरती हैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उनको उठाने के लिए नहीं जाता है, गाय का अपमान किया है, गंगा का अपमान किया है, जनता का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और 2019 में इनको यहाँ से सफर करना। अच्छा, एक सवाल और कि बाहरी प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का विरोध किया जा रहा था लगातार, क्या उसका असर इस पर गठबंधन के साथ में कितना असर साबित हुआ? देखिए, गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आगा बाहरी बहुमत से जीत कर जाएगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन मिलकर एकजुट होकर के जिताएंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में कोई इस तरीके की बात नहीं है। जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी का निर्णय होगा वह हम लोगों को सर्वेपरि होगा, और जिस तरह बहन मायावती जी का कार्यकर्ता जो बात मानता है, आज की तारीख में माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता भी कैडर का कार्यकर्ता है, जो अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा वही हम मानेंगे। जिस दिन से अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना कि बहन मायावती जी का सम्मान करो, तो हम तो बहन मायावती जी के सम्मान के साथ साथ बहन मायावती जी के वोटरों का, सपोर्टरों का, मतदाताओं का भी सम्मान कर रहे हैं। गांव-गांव ऐसी समाज के मोहल्लों में और गांव में जाकर के हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप और हम सब एक।